हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपको याद होगा कि हमने इसके पहले वीडियो में इन द एग्जीक्यूशन फेज वी हैव टॉक्ड अबाउट वाटरफॉल एंड एजाइल। टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रिपल कंस्टेंट एंड चेंज रिक्वेस्ट। ओके, सो लेट्स मूव इनटू इट। सो फ्रेंड्स, ट्रिपल कंस्टेंट क्या होता है? बेसिकली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दीज आर द थिंग्स विच एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू ऑलवेज मैनेज। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें हो रही है, इट इज़ हैपनिंग अराउंड दीज थ्री पॉइंट। फर्स्ट इज स्कोप, सेकेंड इज टाइम एंड थर्ड इज कॉस्ट। आप खुद भी रियलाइज करोगे, व्हाट इज योर स्कोप? स्कोप इज दोज एक्टिविटीज, दोज थिंग्स, ठीक है, विच यू हैव टू डिलीवर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो आपको याद होगा, आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने गैंट चार्ट की बात की थी शेड्यूल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एक गैंट चार्ट के अंदर हमने क्या बनाया था, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने लिखा था, उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। वो सारी चीज़ें हमने स्कोप के अंदर, आई मीन गैंट चार्ट के अंदर हमने नोट डाउन किया था। देन कॉस्ट, कॉस्ट इज बेसिकली जो कॉस्टिंग लगने वाली है। ठीक है, आप कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हो? यार देखो, लेट से किसी ने आपसे बोला कि मुझे यार ना एक वेब पेज डेवलप करके दे दो, तो और उसके लिए लेट से कि आपका एक डेवलपर लगने वाला है और वो लेट से कि एक हफ्ते में कंप्लीट कर देगा, और उस बंदे की एक हफ्ते की सैलरी है लेट से 100 रुपया, तो आप क्या करोगे? आप क्लाइंट से, अपने कस्टमर से 100 रुपया मांगोगे? नहीं, आप 100 रुपया नहीं मांगोगे, आप हमेशा 100 से ज़्यादा मांगोगे। कम से कम तो आपको ये मांगना है कि यार 100 रुपया तो इस बंदे का कॉस्ट हो गया। दूसरी चीज़, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा किया हुआ है उसका क्या कॉस्ट है, बराबर। देन उसके बाद आपको अपना कुछ मार्जिन भी रखना है ना भाई। 100 रुपये की चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो, 100 रुपये की बेच रहे हो, तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा तो रखना पड़ेगा। अगर 100 रुपये उसका कॉस्ट जा रहा है तो आप 10-20 रुपये एक्स्ट्रा रखोगे। इस हिसाब से कभी कभी उसका प्राइस डबल भी हो जाता है। हालांकि एंड यूज़र को इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको फ़र्क पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। बिकॉज यू शुड नो कि अगर मेरा स्कोप चेंज हो रहा है तो बाकी मेरी क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है और मुझे उसे कैसे मैनेज करना है। थर्ड थिंग इज़ टाइम। ठीक है, टाइम इज़ थर्ड कंस्ट्रेंट। जब भी आप एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हो फ्रेंड्स, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा और गैंट चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है, राइट। प्रोजेक्ट का मतलब ही वही है, इट हैज़ ए स्टार्ट डेट, इट हैज़ ए एंड डेट, राइट। सो टाइम आपका थर्ड कंस्ट्रेंट बनता है, और आपको टाइम, कॉस्ट और स्कोप को मैनेज करते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो क्वालिटी है इट इज़ अप टू द मार्क। फ्रेंड्स, आपको सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप रियलाइज़ भी करोगे कि हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, दे डू नॉट पे अस टू परफॉर्म क्वालिटी। हर डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी वर्क परफॉर्म किया जाता है, यू एग्री? ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले लो, लेट से इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, चीज़ों को चेक करने के लिए उसे पैसे भी दिए जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे कस्टमर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्वालिटी पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। दे वॉन्ट एवरी थिंग टू बी यू नो करेक्ट इन द फर्स्ट फेज। पहले बार जब चीज़ें डेवलप हो रही है तभी वो बेस्ट होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिटी के लिए दे डू नॉट पे यू फॉर एडिशनल फॉर परफॉर्मिंग क्वालिटी, बट हाँ, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो आपको ध्यान में रख के अपनी कॉस्टिंग करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। सो होप कि आपके माइंड में एटलीस्ट ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या होता है। ट्रिपल कंस्ट्रेंट के अंदर स्कोप होता है, टाइम होता है और कॉस्ट होता है, एंड इन सब को मैनेज करते हुए आपको क्वालिटी को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ द ट्रिपल कंस्ट्रेंट। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन लेके हमें करना क्या है? ठीक है, हाँ, हमें पता चल गया कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट ये चीज़ है, लेकिन क्या करूँ मैं ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट जान के? ठीक है, क्या करना है आपको? आपको ये करना है, देखो, लेट से कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आई और उस रिक्वेस्ट में ये बताया गया कि भाई स्कोप हमें चेंज करना है, स्कोप हमें इंक्रीज़ करना है। लेट से कि पहले मैंने आपको बोला था कि 10 यूनिट ऑफ वर्क कम्प्लीट करना है आपको इन दिस टाइम एंड एट दिस कॉस्ट। Now I am telling you to complete 2 more task, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सीधे से सीधे उसका अपने कस्टमर को बोल दोगे कि हाँ ठीक है, I'll complete additional 2 task बोल दोगे, या आप ये बोलोगे, आप एक एनालिसिस करके बताओगे कि देखो भैया, आप जो ये चेंज बता रहे हो, स्कोप के अंदर जो चेंज बता रहे हो, उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट हमारे टाइम के ऊपर भी है और उसका इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट के ऊपर भी है। ठीक है, इस चेंज की वजह से आपको ये जो चीज़ है, पहले हम जो बोल रहे थे लेट से कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर डिलीवर करने के लिए, नाउ इट विल टेक एडिशनल 15 डेज और एडिशनल 1 वीक। ठीक है, एडिशनल 1 वीक आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, सो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो एडिशनल 1 वीक जब आप
चीज़ों को एक्सटेंड करते हो तो काफ़ी सारे फैक्टर्स और इंटरप्ले होते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने अपने रिसोर्सेज को एडिशनल वन वीक के लिए नहीं प्लान किया था। मे बी आपने कुछ मटेरियल्स आप यूज़ करो, लेट्स से कि यू आर यूजिंग अ मशीन, ठीक है, एंड दैट मशीन वॉज नॉट इनिशियली प्लान्ड फॉर एडिशनल वन वीक। जब आप वो भाड़े की मशीन जो आप पहले यूज़ कर रहे थे उसको एडिशनल वन वीक के लिए लोगे, तो जिससे आपने उसे लिया है, जिस भी वेंडर से आपने उसे लिया हुआ है, ठीक है, ही विल चार्ज एक्स्ट्रा, ही विल चार्ज एडिशनल, राइट। हो सकता है कि उसने भी यार किसी को पहले कमिटमेंट करके रखा होगा कि ये मशीन मैं आपको फलाना डे से अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ पे भी एडिशनल कॉस्ट जाने वाला है, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है टाइम और कॉस्ट का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉस्टिंग है और ज़्यादा बढ़ जाए फॉर एडिशनल वन वीक, है ना। सो यू हैव, यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको ये एनालिसिस करके अपने कस्टमर को बताना है कि अगर आप ये एडिशनल चेंज ला रहे हो तो इस चेंज की वजह से आपको ये चीज़ें इस टाइम के बदले इस टाइम पर डिलीवर होगी, पहली चीज़, और इस कॉस्ट के बदले आपको ये नए कॉस्ट में डिलीवर होगी विद द क्वालिटी, है ना। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो फ्रेंड, आपको समझ में आएगा, और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर स्कोप के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, आप गैंट चार्ट का यूज़ कर सकते हो, आप कानबान बोर्ड यूज़ कर सकते हो। कानबान बोर्ड के अंदर आपको दिखता है कि आपके इन प्रोग्रेस आइटम्स कितने हैं, आपके कंप्लीटेड आइटम कितने हैं और आपका बैकलॉग कितना है। बेसिकली तीन कॉलम में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, तो आप बोल सकते हो कि जो नया आइटम आ रहा है उसके वजह से जो आपका एग्जिस्टिंग बैकलॉग है वो कैसे इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। सो वहाँ पे वो एनालिसिस करने के लिए आपको कानबान बोर्ड यूज़ हो जाएगा। और चेंज रिक्वेस्ट इज़ अ प्रोसेस जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। यू कैन आस्क टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नए हो, कि भाई हमारे कंपनी में क्या चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस फॉलो होता है, एंड दे विल टेल यू। कॉस्ट के लिए आप स्कोप मैनेजमेंट प्लान देख सकते हो, एंड ऑफ कोर्स चेंज रिक्वेस्ट देख सकते हो। अगर टाइम के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देन यू कैन लुक एट अगेन गैंट चार्ट, क्योंकि टाइम उसके अंदर होता है। रिसोर्स, मैन और मटेरियल रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, वो देख के आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। सो हो फ्रेंड्स, आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या होता है और ट्रिपल कंस्ट्रेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में। सी फ्रेंड्स, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस लेके आते हो तो उसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए कस्टमर को आपका क्या बोल, आप कस्टमर तो आपको बोल देगा कि भैया मेरे को ये एक नया चेंज अपने प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप दो चीज़ें कर सकते हो। अगर वो चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा चेंज है, देन आप उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट करने का तरीका वही है जो मैंने पिछले आपको स्लाइड में बताया अभी, कि ठीक है, कि क्या क्या कंस्ट्रेंट, ट्रिपल कंस्ट्रेंट आपके कैसे इम्पैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पास चेंज रिक्वेस्ट आती है, आप सीधा अपने माइंड में ये सोचो कि यस, प्रोडक्ट में कुछ चेंज रिक्वेस्ट कस्टमर ने डिमांड किया होगा, जिसकी वजह से चेंज रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। अब इस चेंज रिक्वेस्ट को हम हैंडल कैसे करते हैं, लेट्स हैव ए लुक एट इट। देखिए क्या होता है ना, कि देर इज़ ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी कोट किया कि बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल लर्निंग दे हैव क्रिएटेड अ प्रोसेस, ठीक है। बट मोटा मोटा क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म क्रिएट किया जाता है जब भी चेंज रिक्वेस्ट कस्टमर के साइड से आती है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है कि उस कौन से प्रोजेक्ट पे ये चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेबल होने वाला है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है व्हाट्सएप का, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और चेंज डिस्क्रिप्शन होता है कि आखिर क्या चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट में लिख दिया कि पहले यूपीआई पेमेंट नहीं होता था इसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। सो मैंने लिख दिया इंक्लूड यूपीआई पेमेंट इन व्हाट्सएप, ठीक है, दैट इज़ अ चेंज डिस्क्रिप्शन। अब ये चेंज किसने प्रपोज किया, लेट्स से इट इज़ प्रपोज बाय मिस्टर एक्स, ठीक है। सी फ्रेंड्स, इंटरनली भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्यों सजेस्ट किया जाता है यार, देखो एक क्लाइंट है आपका जो एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपके पास एक आइडिया है जिसके वजह से वो प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकता है, बराबर। जब वो आइडिया आप सजेस्ट करोगे तो होगा क्या, योर क्लाइंट विल गेट एग्री कि हाँ यार इसके वजह से आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट, ठीक है, मेरा फ़ायदा होने वाला है।
बट उसके फ़ायदे के साथ आपका भी फ़ायदा होगा, बिकॉज यू विल गेट एडिशनल बजट टू परफॉर्म समथिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपको एडिशनल लोग हायर करने पड़े, तो इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपको ही बेनिफिट होने वाला है ना। सो इंटरनली भी चेंज प्रपोज किए जाते हैं, तो इट माइट हैपन दैट समबडी हु इज़ इंटरनल टू योर टीम हैज सजेस्टेड सम चेंज, तो उसका नाम आप वहाँ पे लिख सकते हो। देन यू क्रिएट अ टिकट, मे बी अ जायरा टिकट और समथिंग, जहाँ पे आप उसकी आईडी मेंशन कर सकते हो, डेट किस डेट को वो चेंज रिक्वेस्ट रेज हुआ था, राइट, रीज़न फॉर चेंज। ठीक है, आप क्यों ये चेंज रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ठीक है, किस रीज़न से डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू एक्सपांड द यूपीआई सेक्ट, टू एक्सपांड इन द यूपीआई सेगमेंट एंड कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, पहले बहुत सारे लोग व्हाट्सअप से, लेट से उनको अगर कुछ पेमेंट करनी है, दे विल मूव टू अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, वो भीम यूपीआई या फ़ोन पे या दूसरे जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते थे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, सो यू वांट मोस्ट ऑफ द पीपल टू यू नो हुक्ड अप टू योर एप्लीकेशन ओनली, एंड दैट्स द रीज़न यू आर सजेस्टिंग कि नहीं यार, अपने को बंदों को किसी और पे मूव नहीं करने देना है, यू हैव टू कीप देम एंगेज्ड विद इन द यूपीआई इटसेल्फ, विद इन द व्हाट्सएप इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सजेशन सजेस्ट कर रहे हो, ये चेंज सजेस्ट कर रहे हो। देन इम्पैक्ट इफ़ चेंज इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, आपको एक बिजनेस केस बनाना है कि देखो अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली आप लॉसेस बताओगे कि हमें कस्टमर का कितना लॉस होगा, हमारे बिजनेस को कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसका आप एक एनालिसिस बना सकते हो, मैंने यहाँ पे बिजनेस केस ही लिख दिया है। एंड इम्पैक्ट इफ़ चेंज इज़ इम्प्लीमेंटेड, अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट होता है देन क्या होगा, देन फॉर दैट यू क्रिएट अ बिजनेस केस। ठीक है, बिजनेस केस में आप बताते हो कि करंट स्टेट क्या है, एक्सपेक्टेड स्टेट क्या है, और अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या क्या फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस को मनी की लैंग्वेज समझ में आती है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आप उसके अंदर बताते हो। ठीक है, सो एंड नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ चेंज, इस चेंज को करने के लिए कितने कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास उसकी विजिबिलिटी है, यू वाइल यू नो यू आर डूइंग दिस एनालिसिस, यू विल एनी वे कम टू नो कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, कितने दिन के लिए उन रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो यू विल कम टू नो द कॉस्ट ऑफ दैट चेंज, एंड एडिशनली उसके ऊपर कुछ मार्जिन रख के आप अपने कस्टमर को उसकी कॉस्टिंग बताते हो। देन एक्सपेक्टेड डेट, कस्टमर कब तक उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, यू हैव टू, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर चूज़ द डेट वेरी केयरफुली। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फेस्टिवल आने वाला है या कोई मेगा इवेंट आने वाला है, जैसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का इवेंट होता है, वहाँ पे सभी लोग अपना ये शोकेस करते हैं, कुछ कार के इवेंट होते हैं, बराबर वहाँ पे कोई शोकेस करता है, तो उसके पहले बिफोर यू नो दैट इवेंट हैपन्स, योर कस्टमर वॉन्ट्स दिस चेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड, सो दे केयरफुली चूज़ द डेट एंड अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर उसको डिलीवर करना होता है। यू मे हैव टू पुट एडिशनल रिसोर्सेज या जो करना है वो करो, बट आपको उसको डिलीवर करना है। देन इम्पैक्टेड डिपार्टमेंट, जब वो चेंज आ रहा है तो उससे आपके कितने डिपार्टमेंट इम्पैक्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कोप इम्पैक्ट होने वाला है, आपका कॉस्ट इम्पैक्ट होने वाला है, आपकी क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकती है, आपने जो रिसोर्स प्लान बना के रखा हुआ है वो इम्पैक्ट हो सकता है, आपके पास जो डेडलाइंस थी वो इम्पैक्ट हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन जो एक बार ये चेंज जब आ जाता है उसके बाद देन जो आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल ये चेंज जो आपने सजेस्ट किया है, इट कम्स लॉग यू नो गेट्स लॉग एज अ रिक्वायरमेंट, एज अ न्यू रिक्वायरमेंट, और उस पर आपका कस्टमर का साइन ऑफ होता है कि हाँ ठीक है ये नई रिक्वायरमेंट हम दे रहे हैं। देन उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, देन सम पीपल यू नो वर्क ऑन दैट रिक्वायरमेंट, उसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद अगेन उसको प्रोडक्शन में लॉन्च कर देते हैं, राइट। सो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल के हिसाब से चलते रहता है। सो होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द चेंज रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज़ ट्रिपल कंस्ट्रेंट। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे, बाय।